हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जिसमें कि साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया गया है आपको। इस बार बहुत से चेंजेस किए गए हैं। बॉल पॉइंट पेन, जो कि पिछली बार आपको नहीं ले जाना था, इस बार NTA कह रहा है आपको अपने साथ ले जाना है। कैरी देयर ओन बॉल पॉइंट पेन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज किए जा रहे हैं, तो जो आपका पेन है आपको अपने साथ ले जाना है। साथ में आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी है अपनी जो ID है, ID प्रूफ की, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, फ़ोटो कॉपी नहीं लेकर जानी है। साथ ही एक आपको फोटोग्राफ एक्स्ट्रा, देखिए एक एडमिट कार्ड में अगर आपका लगता है तो एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको ले जानी है साथ में, क्योंकि आप जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें स्टैम्प जैसे पहले आपको लगाना होता था, अपने बाएं हाथ का अंगूठे का थंब इम्प्रेशन देना होता था, वो नहीं देना है। अब की आपको फ़ोटो लगानी है अटेंडेंस शीट पर, वो भी एग्ज़ाम जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होगा उसके सामने। तो एक एक्स्ट्रा फ़ोटो अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो भी आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आएगी। साथ ही आपको अपनी पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र रखने की परमिशन दी गई है। 50 ml बोतल आप जो है अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि वहां पर आपको टाइमली खुद सैनिटाइज़र दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार वहाँ पर वाटर डिस्पेंसर नहीं मिलेगा, तो अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल को ज़रूर लेकर जाएं, जो कि क्लियर होनी चाहिए। मीन्स उस वाटर बोतल पे किसी भी तरीके का वाटर लेबल नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर क्या नहीं लेकर जाना है, मोबाइल फ़ोन्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही रखने होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन आप अंदर ले जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही सेंटर कुछ बने होंगे, वहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। आपको रफ शीट वहाँ पर मिल जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी रफ शीट जो है इन्विजिलेटर के द्वारा आपको दिया जाएगा। साथ ही जो है कैलकुलेटर जो है आपको नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, चाहे वो घड़ी हो, ब्लूटूथ डिवाइस हो, ईयरफोन हो, ये सब अंदर अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले है एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल ID, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, 12th का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, बॉल पॉइंट पेन, अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए फ़ोटो, अपना हैंड सैनिटाइज़र, पानी की बोतल, परीक्षा केंद्र के अंदर ले जा सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड के साथ NTA की साइट से डाउनलोड की हुई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की कॉपी भी होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग टाइम जो है परीक्षा केंद्र में जो है बिल्कुल जो उन्होंने टाइमिंग दिया है उसी पर ही आपको जाना है, जिससे ज़्यादा भीड़ भाड़ में आपको ना जाना पड़े। एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए इस बार ही पहले गेट के बाहर रोल नंबर नहीं लगे होंगे। सेंटर पर जाने से पहले आपको हाथ सैनिटाइज़र करने को कहा जाएगा। आपको अपना एडमिट कार्ड भी पूरा जो है फिल करके उनको देना है। वहाँ पर आपको मास्क दिया जाएगा, 3-प्ले मास्क होगा, यानी जो आप घर से पहने हुए मास्क से जाएंगे वो मास्क की जगह अब आपको जो वहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो मास्क पहनना होगा। एंट्री पॉइंट पर एडमिट कार्ड में भरी हुई अंडरटेकिंग और थर्मोगन से बॉडी टेम्परेचर चेक होगा। सेंट्रल स्टाफ एडमिट कार्ड का बार कोड स्कैन करके आपको लैब के बारे में बताएगा, यानी बार कोड से स्कैन करेगा और फिर आपको बताएगा आपका किस रूम में एग्ज़ाम पड़ रहा है। हर शिफ्ट से पहले सीट व उसके आसपास का पूरा एरिया सैनिटाइज होगा। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 2 सीटों के बीच गैप रहेगा। छात्रों और स्टाफ के लिए केंद्र के बाहर अंदर कई जगहों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। एडमिट कार्ड के बारकोड को स्कैन करने के लिए एंट्री पॉइंट पर बारकोड रीडर होंगे। परीक्षा शुरू होने से पहले हर सीट पर रफ कार्य के लिए रफ शीट रखी जाएगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटेंडेंस शीट पर चिपकानी होगी। परीक्षा खत्म होने से पहले किसी को भी एग्ज़ाम रूम छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इन केस बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब जानकारी है जो आपको बहुत काम आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।